देखिएगा, अ डिस्क ऑफ मास 50 ग्राम स्लाइड्स विथ द जीरो इनिशियल वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन सेट एन एंगल, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, टू द हॉरिजेंटल। हैविंग ट्रेवर्स्ड द डिस्टेंस, एल का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर अलॉन्ग द हॉरिजेंटल प्लेन, द डिस्क स्टॉप्स। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ओवर द होल डिस्टेंस। एज्यूमिंग द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0.15, के का वैल्यू दे रखे हैं फॉर बोथ इंक्लाइंड एंड हॉरिजेंटल प्लेन। मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूनिफॉर्म है, इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी यूनिफॉर्म है और हॉरिजेंटल प्लेन के लिए भी यूनिफॉर्म है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं, कुछ इस तरह का है, ये एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री, है ना, ये अल्फा है, इसका वैल्यू 30 डिग्री दे रखे हैं, हम लोग अल्फा ही लेकर के चलते हैं, बाद में इसका वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लेंथ को एल दिया जा रहा है, ओके, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट को के दिया जा रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को के लेकर के चलते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है इसको एम लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझिएगा, इस तरफ लगेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, इस तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा, और चूंकि ये इस तरफ मूव करेगा, जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये डाउनवर्ड अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट करेगा, इस कारण से फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू के एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा इधर, के एम जी कॉस थीटा इस तरफ, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग एस मान के चलते हैं, कितना मान के चलते हैं, एस। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क होगा, नेट वर्क डन जो होगा, वो के एम जी कॉस थीटा के कारण निगेटिव होगा, एम जी साइन थीटा के कारण पॉजिटिव होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक फ्रिक्शन लगेगा और इस फ्रिक्शन का वैल्यू के एम जी के बराबर होगा, और ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा और कहीं पे जाके ये रुक जाएगा, ठीक है, कहीं पे जाके ये क्या होगा, रुक जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने लेक्चर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो दो तरीके से बनता है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। लेकिन कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, ये मैं अपने लेक्चर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और लेक्चर कॉन्सेप्ट लेक्चर वीडियो आप देखने के लिए मेरा पेड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा तो इस केस में जो अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन जो फोर्स लग रहा है डेट इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, और अपोजिट टू द प्लेन जो फोर्स लग रहा है डेट इज इक्वल टू के एम जी कॉस थीटा, और हॉरिजेंटल ग्राउंड पर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई करेगा डेट इज इक्वल्स टू के एम जी, ओके। अब इस पॉइंट को समझिए कि जब ये ट्रेवल करेगा तो एम जी साइन थीटा अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, और के एम जी कॉस थीटा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा ये निगेटिव होगा, और के एम जी साइन थीटा के कारण जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अब इक्वेशन लगाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन इक्वल्स टू 0, नेट वर्क डन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है एम जी साइन थीटा के कारण जो वर्क डन हो रहा होगा कितना हो रहा होगा, एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। के एम जी कॉस थीटा के कारण जो वर्क डन हो रहा होगा कितना हो रहा होगा, माइनस के एम जी कॉस थीटा इंटू एस, और इस के एम जी के कारण जो वर्क डन हो रहा होगा वो कितने के बराबर हो रहा होगा, के एम जी एल डेट इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ से एस का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो एस का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, ठीक है, एस का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देख लीजिएगा, एम जी कट जाएगा हर जगह से, ठीक है, और ये आ जाएगा के एल बाई के एम जी एल को इस तरफ ले जा सकते हैं आप, और यहाँ से एस को कॉमन कर सकते हैं, एम जी को कट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा के एल बाई साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये आ गया एस का वैल्यू, एस का वैल्यू ये आ गया यहाँ से। जब आपको
एफ का वैल्यू मिल चुका है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना बहुत ही आसान है, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि निगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं फ्रिक्शन के द्वारा कितने के बराबर हो जाएगा, अलोंग सबसे पहले जब वो इंक्लाइंड प्लेन पर था तो कितना फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन हो रहा था, के एम जी कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा कितने के बराबर, फिर के एम जी इंटू एल, ये हो रहा था। और ये जो पूरा का पूरा वर्क डन था निगेटिव था, ठीक है, तो इस वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, निगेटिव। अब यहाँ से के एम जी को आप कॉमन कर लीजिए, के एम जी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस कॉस थीटा, एस के जगह पे के एल, तो यहाँ पे आ जाएगा के एल कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एस के जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया है और के एम जी को कॉमन कर लिया है, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब आगे देखिए, फिट प्लस कितने के बराबर है यहाँ पे, चूँकि के एम जी को आपने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एल बचेगा, है ना, एल बचेगा। अब यहाँ से एल भी कॉमन आ सकता है, तो के एल एम जी कॉमन आ गया। अब ये कितना हो गया, के कॉस थीटा, के कॉस थीटा बाई है क्या साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस वन, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, बाई क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये बचेगा, है ना। तो के कॉस थीटा कट गया, और वर्क डन का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, देखिए, तो वर्क डन का वैल्यू आ गया के एल एम जी साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर। तो वर्क डन को थोड़ा और आप सॉल्व कर सकते हो, और वर्क डन को लिख सकते हो आप, जो फाइनल रिजल्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, के एम जी एल बाई साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो वन माइनस के कॉट थीटा। जब आप के एम जी एल का वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस 0.05 के आसपास आएगा, ये निगेटिव वर्क डन है, माइनस में हर जगह, है ना, माइनस 0.05 के आसपास, 0.5 जूल के आसपास आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।